रोजेज एंड फॉरगेट मी नॉट। बहुत वक्त पहले नवंबर के ठंडे तूफान में, जब ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, एक छोटी सी लड़की जिसके दाहिने हाथ में एक बक्सा था और बाएं हाथ में एक टूटी हुई छतरी, बड़ी मुश्किल से सड़क पर चलती हुई जा रही थी। उसका नाम था लिजी। बस पहुंचने वाली हूँ, बस पहुंच गई। और तभी हवा के तेज झोंके ने उसकी टूटी हुई पुरानी छतरी को एक झटके से पलट दिया। बेचारी लिजी वही बारिश में बैठकर रोना चाहती थी, लेकिन उसके पास आंसू बहाने का वक्त ही कहाँ था। वो बेचारी अपनी टूटी हुई छतरी के साथ चलती रही। उसने अपने बक्से को अपनी शॉल से ढक लिया और वो तेजी से सड़क पर भागने लगी। जब लिजी उस घर पर पहुंच गई जहाँ उसे वो कीमती हैट लेकर जाना था, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। बोलो, मैं मिस बेल की हैट लेकर आई हूँ। अंदर आ जाओ। तुम रुको, मैं इसे मिस बेल को दिखाती हूँ। लिजी वहीं कमरे में बैठ गई ताकि ठंड से बच सके। उसे वहाँ उस कमरे में बहुत सारे खूबसूरत फूल नजर आए, जिनकी खुशबू लिजी तक आ रही थी। वहीं पास में रखा हुआ गुलाब का गुलदस्ता उसे बहुत पसंद आया, जिसे देखने के लिए वो आगे बढ़ी। वो बहुत खूबसूरत था, जैसे कोई हरे पत्तों में से गुलाबी चेहरा उसे ही देख रहा हो। लिजी उन्हें छुए बिना रह नहीं पाई और उन्हें छूकर सूंघने और चूमने लगी, जिससे एक गुलाब उसमें से टूट गया, जिसे उसने अपनी जेब में छिपा लिया। वो डर गई, उससे गलती जो हो गई थी, इसीलिए दुखी मन से वो वापस उसी सोफे पर जाकर बैठ गई। वो उदास थी। मिस बेल ने तुम्हें अंदर बुलाया है। जब लिजी बेल के कमरे में पहुंची, तो उसने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को शीशे के सामने उस हैट को पकड़े हुए देखा। जाकर मैडम टिफनी से कहना कि ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जी मिस। तभी बेल की नजर लिजी की हालत पर गई। उसकी हालत देखकर उसका मन भी दुखी हो गया। ओह, तुम्हें तो ठंड लग रही है, आओ थोड़ा आग के पास आकर अपने हाथ सेक लो। आपका कालीन गीला हो जाएगा, मेरे कपड़े गीले हैं। हाँ, वो बात तो है, तुम रबड़ के जूते क्यों नहीं पहनती? मेरे पास नहीं है। बेल कुछ देर रुकी और सोचने लगी और फिर उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे वाले रख लो, मैं तो वैसे भी बारिश में बाहर नहीं जाती। मैरी, क्या तुम उन्हें निकाल कर ले आओगी? ओह शुक्रिया मिस, मैं उन्हें जरूर पहनूंगी क्योंकि मेरे जूते पुराने हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हें गर्म चीजें नहीं दिलाई? मेरी माँ गुजर चुकी है, मैं अनाथ हूँ। ओह, मैं माफी चाहती हूँ, तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? मैं अपना ध्यान खुद रखती हूँ, मैडम टिफनी ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी है और कभी कभी मेरे लिए किताबें भी लाती हैं। वो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, सच में मेरा भी एक सपना है। बेल ने कुछ नहीं कहा। वो लिजी को देखते हुए अपने सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या है तुम्हारा सपना? मुझे कॉलेज में पढ़ना है और एक दिन अपना खुद का घर बनाऊंगी। उसी वक्त मरी वहाँ बेल का खाना और जूते लेकर वापस आ गई। ये रहा आपका खाना मिस बेल, और ये रहे आपके जूते। शुक्रिया मैरी, आओ थोड़ा तुम भी खाओ, तुम्हें भी अब तक भूख लग गई होगी ना? लेकिन लिजी कुछ खा नहीं पाई और अपने हाथों से मुंह ढककर रोने लगी। बेल की हमदर्दी को देखकर उसे और शर्मिंदगी हुई और फूल को छुपाने वाली बात को वो उससे और नहीं छुपा सकती थी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं, आपका दिल बहुत अच्छा है, बस मैंने आपके साथ कुछ सही नहीं किया। और फिर उसने टूटा हुआ गुलाब अपनी जेब से निकाला और रोते हुए उसने अपनी गलती बता दी। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें जितने गुलाब चाहिए तुम रख सकती हो क्योंकि तुम्हारा दिल अच्छा है। शुक्रिया। जब तक जाकर मैं तुम्हारे लिए गुलाब लाती हूँ, तब तक अपनी जेब में जितनी कुकीज आए भर लो। जब बेल गुलाब लेकर वापस आई, उसने देखा कि लिजी बड़े मजे से केक खा रही थी, जैसे उसका कोई सपना पूरा हुआ हो। लो,
अब ये तुम्हारे हैं। बहुत सुंदर है। और मैं हैट भी रख ही लेती हूँ, इतनी भी बुरी नहीं है। उम्मीद है तुम अपने सारे सपने पूरे कर लोगी। अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे डांस क्लास के लिए जाना है। और हाँ, वो जूते पहनना मत भूलना। शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं मिस। कोई बात नहीं। बारिश हुई और हवा भी चली और चिड़िया भी पार्क में जोर जोर से चहक रही थी। लिजी भी खुश थी जिसने अच्छे जूते पहन रखे थे। उसकी आंखें गुलदस्ते को बार बार निहार रही थी जो उस पल में उसका असली खजाना था। लिजी को उस वक्त ये नहीं पता था कि ये गुलाब उसकी सारी जिंदगी ही बदलने वाला है। एरिक, तुम लाए हो ये अच्छा ही होगा। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है और तुम जानते हो मुझ पर क्या जचता है। ऐसा ही हो लिजी। जैसा कि लोग कहते हैं कि एक लड़की का पहला बॉल ड्रेस बहुत खास होता है, खास करके अगर वो एक मशहूर पेंटर मिस लिजी बैरन के सम्मान के लिए आयोजित किया गया हो। और अगले हफ्ते मिस लिजी बैरन कैम्बरली में अपना सपनों का घर भी खरीदेंगी। ओह एरिक, मैंने अपनी पेंटिंग से एक एक पैसा बचाया है ताकि ये घर खरीद सकूं। मैं बहुत खुश हूँ। तुम इसकी हकदार हो लिजी। लिजी चुपचाप अपने हाथ बांधकर आंखों में उम्मीद लिए खुशी खुशी इंतजार कर रही थी कि कब इस जादू के पिटारे से उसकी खूबसूरत ड्रेस बाहर निकले। और जैसे ही टीलिया ने उसे डिब्बे से बाहर निकाला और बिस्तर पर रखा, लिजी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ओह, कितनी सुंदर है ये। लेकिन फिर टीलिया कुछ ढूंढने लगी और डिब्बे के साथ तेजी से उठा पटक करते हुए सोचने लगी। ओह, ये क्या हो गया मैडम, रीत तो है ही नहीं यहाँ। ओह नहीं, बिना रीत के तो इस ड्रेस का कोई फायदा नहीं। क्या तुम असली फूलों का नहीं पहन सकती? लेकिन इस ड्रेस के लायक रीत एक दिन में बनवाना नामुमकिन है एरिक। हम पूरा शहर छान मारेंगे जब तक रीत नहीं मिलता। और इस तरह एरिक और लिजी ढूंढने निकल पड़े कि क्या वो अपना फूलों का रीत बनवा पाएंगे या नहीं। उन्होंने बहुत सारी जगह जाकर पूछा और जब लिजी हार कर वापस जाने ही वाली थी तो एक दुकानदार ने बताया कि शायद एक फ्रेंच औरत एस्टेल वैलनोर इस काम को इतने कम वक्त में कर सकती है। जब लिजी और एरिक एस्टेल वैलनोर की दुकान पर पहुंचे तो लिजी ने उसे अपनी सारी कहानी बताई। आज तो आपका रीत बना पाना मुश्किल है क्योंकि मेरी सारी लड़कियां एक और दुल्हन की ड्रेस को ठीक करने में लगी हैं जो आज ही भेजना है। लेकिन शायद आप ड्रेस से मिलते जुलते फूल मिस बर्टन के यहाँ से ढूंढ सकते हैं। उनकी भतीजी मेरे लिए अक्सर माला और रीत बनाने में मदद करती है। लिजी अपनी आखिरी उम्मीद के साथ वहाँ से निकल गई जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लिजी जल्द ही मिस बर्टन के यहाँ पहुँच गई जो एक छोटी सी दुकान थी जहाँ एक तरफ एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी गोद फूल और पत्तियों से भरी पड़ी थी। लिजी को आते देख वो खड़ी हो गई। लिजी को उसे देखते ही कुछ याद आया और एकदम से वो उससे पूछ बैठी। मिस बेल? हाँ। लिजी ये देखकर चौंक गई कि बेल भद्दे कपड़े पहनकर एक छोटी सी दुकान में काम कर रही थी। उसकी याद में बेल इस हालत में कभी नहीं थी। वो तो लंदन के सबसे अमीर परिवार से थी। मिस बेल, मैं लिजी हूँ। मैं मैडम टिफनी के यहाँ काम करती थी। आपने मुझे अपने जूते दिए थे। आपको शायद मैं याद नहीं और ना ही मेरा नाम, लेकिन इतने सालों में मैं आपको कभी नहीं भूली। हाँ, याद आ गया मुझे। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मिस बेल। आपने जो गुलदस्ता मुझे दिया था उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। जब मैं यहाँ से हाथ में गुलदस्ता लेकर मैडम टिफनी के वहाँ जा रही थी तो एक दयालु औरत मिसेस बैरन मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे फूल खरीदने को कहा और मैंने वो फूल उन्हें बिना पैसों के ही दे दिए। वो मुझसे बहुत खुश हुई। एक हफ्ते बाद वो मैडम टिफनी के यहाँ आई और उन्होंने मुझे गोद ले लिया। उनके साथ ही मैं यहाँ कैम्बरली आ गई और तब से यही हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ आप यहाँ कैसे, मिस बेल? बेल ने कुछ देर लिजी को देखा और फिर बोली,
मेरे पापा को काम में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, इसलिए कर्ज चुकाने के लिए हमें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। मेरे माँ बाप ये सब सह नहीं पाए। जब वो दोनों गुजर गए तो मेरी आंटी मिस बर्टन ने ही मेरा ख्याल रखा। हम एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहे और पिछले साल ही यहाँ आकर बसे। पिछले महीने ही वो भी गुजर गई और ये दुकान मेरे पास रह गई। मुझे सुनकर बुरा लगा। कोई बात नहीं, मुझे यहाँ काम करना अच्छा लगता है। इस काम के सहारे मैं अपना सब खर्च चला रही हूँ। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। चलो अब मेरी छोड़ो और ये बताओ कैसे आना हुआ। लिजी ने कुछ देर सोचा और फिर बेल के कंधे पर हाथ रखकर उसने अपनी रीत की कहानी उसे सुनाई। और तुम्हें ये कल चाहिए ना? उस रात लिजी खिड़की से बाहर सितारों को देख रही थी और वो पूरा वक्त बेल के बारे में सोचती रही। उसकी जिंदगी तो आसान बन गई थी, पर बेल की जिंदगी अच्छी नहीं थी। अगली शाम को उसने अपनी ड्रेस पहनी और वो डिब्बा खोला जो बेल की दुकान से एक छोटा सा लड़का उसके लिए लेकर आया था। रीत बहुत खूबसूरत था और जब उसे लिजी के सिर पर पहनाया गया तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उसने उस छोटे लड़के को एक बंद लिफाफा पकड़ाया और उसे ले जाकर बेल को देने के लिए कहा। जब लड़का चला गया तो लिजी भी घर से बाहर आई जहाँ एरिक उसका इंतजार कर रहा था। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। सिर्फ तारीफ के लिए नहीं, बल्कि वो सब कुछ जो तुमने एक ही दिन में घर खरीदने के लिए किया, मैं बहुत खुश हूँ। हे, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, पर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे सपने का क्या होगा। अगर तुम मेरे साथ हो तो वो कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाएगा। आई लव यू एरिक। आई लव यू टू। और फिर वो हाथों में हाथ डाल हंसते हुए बॉल डांस के लिए चले गए। दूसरी तरफ दुकान पर बेल ने वो लिफाफा खोला जो उसे लिजी ने भेजा था। सोचते हुए उसने वो कागज उस लिफाफे के अंदर से निकाला। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रही थी उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। ये उसके घर के कागज थे जिस पर लिखा था कि वो लंदन वाला घर अब उसका है। उसके अलावा उसमें एक और कागज था जिस पर लिखा था, तुम्हें शुक्रिया कहना था। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आपके उस प्यार को दिखाने के लिए जो आपने उस तूफानी दोपहर में मुझे दिया था। मिस बेल, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी और ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, रीत बहुत ही सुंदर है। उसने कागजों को अपने सीने से लगाया और आंख बंद करके बेल रोने लगी। जब उसे लगा था कि वो इस दुनिया में बहुत अकेली है तो उसका एक पुराना अच्छा काम आज दुआ के रूप में आकर उसे मिला था। लिजी और बेल अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और जब लिजी ने एरिक से शादी की तो बेल उसकी मेड ऑफ ऑनर बनी।